नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कह सकते हैं आप मजेदार ब्रेड पकौड़े। जनरली हम ब्रेड पकौड़े बाजार से खरीद के लाते हैं क्योंकि ये सबको बहुत पसंद होते हैं, लेकिन आज हम बाजार से भी ज्यादा टेस्टी ब्रेड पकौड़े बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेड पकौड़ा रेसिपी। ब्रेड पकौड़ा रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, कटी हुई हरी मिर्ची, कटी हुई अदरक और ब्रेड के पीसेस। आप ब्राउन ब्रेड या व्हीट ब्रेड कोई से भी ले सकते हैं, वाइट फ्लोर ब्रेड कोई से भी ले सकते हैं और बेसन। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड ली है, आप कोई से भी ले सकते हैं, ठीक है। और सूखे मसाले हमें चाहिएंगे। तो सबसे पहले हम इन आलूओं को छील के, हमने पहले उबाल लिया था आलूओं को, इनको छील के हमने मैश कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये जो मैं आपको आज रेसिपी बता रही हूँ, आप इसको लास्ट तक देखिएगा, ये बाजार से भी ज्यादा टेस्टी ब्रेड पकौड़ा बनेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो आप इनको जरूर ट्राई करिएगा, बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। तो हम इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई ले लेते हैं। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं इसमें। ज़्यादातर रेसिपीज़
मैं हरी मिर्ची का यूज़ करती हूँ क्योंकि लाल मिर्ची नुकसान करती है और बाजार की लाल मिर्च में उतना फ्लेवर भी नहीं होता, तीखापन भी नहीं होता। तो हरी मिर्ची डालने से आपका लाल मिर्ची कंजप्शन कम होता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है खाने में। तो ये हम इसको आलू ऊपर से भून लेंगे, सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं आलू घी छोड़ने लगा है, देखिए कितनी आसानी से उछल रहा है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। गैस बंद कर लेंगे और इसको फिर से वापस कटोरी में डाल देंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आलू की पिट्ठी को निकाल लिया है। अब मैं इसको, ये बहुत गर्म है तो हाथ जल जाएगा स्टफिंग करने में, अभी वो गर्म की वैसे भी नहीं करते, तो थोड़ा सा मैं इसको ठंडा होने रख दूंगी। तब तक हम अपना बेसन घोल लेते हैं। तो बेसन घोलने के लिए हमें एक बाउल चाहिए, बेसन घोलने के लिए हमें बेसन चाहिए। हम इसमें हम लगभग 8 पीसेस बना रहे हैं, तो 5 चम्मच बेसन लिया मैंने। इसका जो मटेरियल रहेगा वो थोड़ा गाढ़ा रहेगा, इसलिए थोड़ा बेसन ज़्यादा चाहिएगा। इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च थोड़ी सी और बस थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देते हैं, फ्लेवर अच्छा आएगा। और हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि हमारी पिट्ठी में भी नमक है, मतलब ये जो डो है आलू का उसमें भी नमक है, इसलिए हम नमक कम ही डालेंगे। ध्यान रखिएगा गाढ़ा घोलना है, हमें पतला नहीं करना है। लम्स नहीं रह जानी चाहिए। अब ये बहुत गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमें इस तरीके से कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी कि हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे से इसमें लिपट जाए, उसके ऊपर अच्छे से कवर हो जाए। तो ये इस तरीके से आप बेसन को घोल लेंगे और
मेरे आलू अब ठंडे हो गए होंगे, मैंने फैन में रख दिया था। तो अब हम उनको ब्रेड में भर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी ये जो आलू का डो है ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो मैं इसको अब स्टफ कर लूंगी ब्रेड्स में। मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप चाहें तो सिंपल ब्रेड भी ले सकते हैं। कड़ी पत्ता होता इसमें तो आप वो भी डाल सकते थे। इस तरीके से बिल्कुल सैंडविच की तरह इक्वली स्प्रेड करना है, ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज्यादा, एकदम इक्वली स्प्रेड करना है। प्रेस कर देंगे। इसी तरह हम दूसरा ब्रेड लेके उसमें स्टफिंग कर लेंगे। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप जरूर ट्राई करिएगा। कोई भी कॉर्नर छूटना नहीं चाहिए और ये जो डो है ये बहुत इवनली स्प्रेड होना चाहिए। देख सकते हैं सारे कॉर्नर्स कवर हो गए हैं और मैं इसको इस तरीके से कर दूंगी। अब आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर काट रही हूँ बड़े नाइफ की हेल्प से। इसे ट्रायंगल भी काट सकते हैं। किसी भी शेप में काट सकते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छे से कटा है ये। ये हमारे 8 पीसेस हैं। अब हम इनको बेसन में लपेट के डीप फ्राई करेंगे। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें ऑयल रख दिया है। अब हम इसको डिप करते जाएंगे और एक एक करके इसमें छोड़ते जाएंगे। बहुत अच्छे से लपेटना है हमें सारे कॉर्नर।
आपको। हो गए हैं तो मैंने बहुत आराम से पलट दूंगी। गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने दूंगी। हमने बिल्कुल स्लो गैस पे इन्हें सेक रहे हैं। ये थोड़ा सा इस साइड से अभी नहीं हुआ है तो पलट देंगे। दोनों साइड से एकदम गोल्डन ब्राउन सिक जाने चाहिए और स्लो गैस पर ही पकाएं इनको। अच्छा कलर आया है, उस साइड से एकदम अच्छे से सिक गए हैं। अब हम दूसरी साइड से सेकेंगे इनको। तो हमने इनको पलट दिया है और ये जब हो जाएंगे तो हम इनको निकाल के सर्व करेंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरीके से आपके ब्रेड पकौड़े सर्व करने के लिए एकदम तैयार हैं। आपको, मुझे लगता है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने कमेंट्स में, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।